जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन आर्मी अग्निवीर एडमिट कार्ड 2024 के बारे में, जो कि आपका जारी हो चुका है पर आप लोग आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं। आपके सामने इनकरेक्ट क्रेडेंशियल का एक एरर आ रहा है और यहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आपको आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। इसके अलावा अगर आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करूँ, तो इसके लिए आपको कैसे कहां पर जानकारी सेंड करनी है ये आपको इस वीडियो के लास्ट में बताया जाएगा। पहले आप ये जान लीजिए कि कैसे आपको खुद से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। यहां पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको हमारी वेबसाइट का लिंक दिया है। ये लिंक आप जैसे ही ओपन करेंगे तो आपके सामने इस फॉर्म की जानकारी आएगी। ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में आप यहां पर इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन में आइए और एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से पहले आर्मी अग्निवीर एग्जाम डेट ओपन कर लीजिए। ये ओपन करने के बाद में आपको जानने को मिलेगा कि कौन सी पोस्ट का एग्जाम किस किस डेट में है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो अग्निवीर जीडी की पोस्ट पर अगर आपने अप्लाई किया था तो उसके जो एग्जाम है वो यहां पर 29 अप्रैल 2024 तक होंगे। और किस शिफ्ट में होंगे, क्या टाइमिंग रखी है शिफ्ट की और नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे, समय कितना मिलेगा वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर जो आपकी बाकी की पोस्ट है उसकी एग्जाम डेट भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये सभी जानकारी आपने चेक कर ली। अब आपको यहाँ पर एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है उसके बारे में जान लेना है। तो आप इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन में आर्मी अग्निवीर एडमिट कार्ड 2024 डाउनलोड लिंक ओपन करेंगे। आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको आपका JIA रोल नंबर डालना है और यूजर पासवर्ड में सबसे पहली बार आपको जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो डालनी है। जैसे कि यहाँ पर आपको फॉर्मेट बताया है, यानी कि आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है 02 05 और उसके बाद में जो आपका ईयर है वो आपको लिखना है, यानी कि कोई स्पेस कोई हाइफन नहीं लगाना है। सिंपली आपको यहां पर आपकी डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है और जब आप यहां पर डेट ऑफ बर्थ डालेंगे एंड उसके बाद में कैप्चा कोड डालेंगे एंड देन लॉगिन करेंगे तो उसके बाद आपके सामने जो इंटरफेस आएगा वो आपको चेंज पासवर्ड का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जहां पर आप एक इस तरह का पासवर्ड बना लेंगे जिसमें कि आपको कैपिटल लेटर रखना है और यहां पर स्मॉल लेटर रखना है, एक स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही नंबर का इस्तेमाल कर लेना है। तो इस का पासवर्ड आप बनाएंगे, बट अभी प्रॉब्लम ये आ रही है कि आप यहां पर इसमें लॉगिन नहीं हो पा रहे हैं। आपका JIA रोल नंबर भी सही है और जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो भी सही है, तब भी आपके सामने इनकरेक्ट क्रेडेंशियल का एरर आ रहा है। तो ये क्यों आ रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि सभी कैंडिडेट का एक साथ में एडमिट कार्ड नहीं आया है जिसकी वजह से आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं। तो कुछ कैंडिडेट का एडमिट कार्ड जारी हुआ है और कुछ का अभी तक एडमिट कार्ड आया ही नहीं, इसलिए उनके लिए लिंक एक्टिवेट नहीं है और उनके सामने इनकरेक्ट क्रेडेंशियल का एरर आ रहा है। इनकरेक्ट क्रेडेंशियल का एरर आने का मतलब ये नहीं है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है या फिर आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। इसका सिर्फ इतना मतलब है कि अभी जिस पोस्ट पर आपने अप्लाई किया है उसकी जो एग्जाम डेट है वो नजदीक नहीं है और इसलिए आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं। जो यहां पर जिनकी एग्जाम डेट 22 अप्रैल में होगी या फिर नजदीकी होगी और जिसके लिए लिंक एक्टिवेट है उस पोस्ट पर अप्लाई अगर आपने किया था तो फिर आपके सामने जो इंटरफेस आएगा लॉगिन करने के बाद में जब आप आपका पासवर्ड भी रिसेट कर लेंगे वो कुछ ऐसा रहेगा जिसमें कि आप यहां पर आपकी एडमिट कार्ड की टैब देखेंगे और इसमें यहां पर आपको नीचे एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का एक आइकन मिलेगा। जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा और एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाने के बाद में आपके सामने इस तरह से आ जाएगा, जहां पर आप देख सकते हैं आपका JIA रोल नंबर, एग्जाम डे रोल नंबर, फिर यहां पर आपकी एग्जाम डेट क्या है जैसे कि 22 अप्रैल 2024 और दिन क्या है, शिफ्ट कौन सी रहेगी वो आप देख सकते हैं, रिपोर्टिंग टाइम क्या है, गेट क्लोजिंग टाइम क्या है, जो भी आपका यहां पर रिपोर्टिंग टाइम या गेट क्लोजिंग टाइम है वो आपको ध्यान में रखना है और उसके पहले ही आपको वहां पर पहुंच जाना है। फिर आपको यहाँ पर एक खाली स्पेस दिया है, ये स्पेस बेसिकली आप जब आप आपका एग्जाम शुरू होगा वहाँ पर आपको एक पैराग्राफ आएगा आपके डिस्प्ले के ऊपर, वो पैराग्राफ आपको यहाँ पर अपने हैंड से रिटर्न करना है। यहाँ पर आप आपका नाम लिखेंगे, सन डॉटर ऑफ के बाद में आपको आपके फादर का नेम लिखना है, डेट लिखनी है, पैलेस लिखना है और यहाँ पर आपको सिग्नेचर करने हैं आपके रूम निरीक्षक की उपस्थिति में। और इसके बाद आपको एग्जाम सेंटर पर क्या लेकर के जाना है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप इस एडमिट कार्ड को कलर में प्रिंट करा करके लेकर के जाएंगे, ओरिजिनल फोटो आईडी लेकर के जाएंगे जिसमें कि आप यहां पर आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, इनमें से किसी भी आईडी का इस्तेमाल कर सकते हैं एंड आपको यहां पर 2 रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी लेकर के जाने हैं। ये सभी डॉक्यूमेंट्स आप लेकर के जाइएगा, इनमें कोई भी चीज आपको बिल्कुल नहीं भूलनी है। तो इस तरह से गाइज आप लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे और ये डॉक्यूमेंट आपको एग्जाम सेंटर पर लेकर के जाने हैं। अब गाइज अगर आपके सामने लगातार एरर आ रहा है और आप परेशान हो रहे हैं कि कैसे डाउनलोड करें, क्या मेरा फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं हो गया, और आप चाहते हैं कि आपकी तरफ से मैं भी ट्राई करूं आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की, तो आप कैसे
कहां पर जानकारी सेंड करेंगे जान लीजिए। जो लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप ओपन करेंगे, और यहां पर यार कमेंट में कोई भी जानकारी मत देना, क्योंकि आप देख सकते हैं यहां पर दी हुई जानकारी पब्लिक हो जाती है और मैं नहीं चाहता कि किसी की जानकारी भी पब्लिक हो। इसलिए आप सबसे लास्ट में आएंगे और कॉन्टैक्ट अस के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आप यहां पर आपका नाम देंगे, आपकी ईमेल आईडी, इसके बाद आपका फोन नंबर जो कि व्हाट्सएप का हो, और मैसेज के अंदर आपकी इंडियन आर्मी की जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है वो देंगे, उसका पासवर्ड देंगे। साथ ही साथ अगर आपको आपका जीआईए रोल नंबर पता है तो आप यहां पर जीआईए रोल नंबर डालेंगे, और जो आपके डेट ऑफ बर्थ है वो भी आप यहां पर डाल देंगे। ये चार इन्फॉर्मेशन देनी है, और साथ में आपको लिख देना है आर्मी अग्निवीर एडमिट कार्ड 2024, ये आपको लिखनी है जो मैंने आपको बताया है। एक बार फिर से वीडियो को रिपीट करके सुन लीजिएगा मैंने क्या क्या बताया है, एंड उसके बाद आप सबमिट करेंगे तो ये जानकारी मेरे पास आएगी, और मेरे से जितनों का हो पाएगा वो एडमिट कार्ड डाउनलोड करके आपको ये नंबर पर सेंड किया जाएगा, एंड उसके लिए आपसे कोई भी किसी भी तरह का चार्ज नहीं लिया जाएगा। सो गाइस ये थी जानकारी, आई होप आपको पसंद आई होगी। कोई सवाल डाउट रह गया हो अभी भी तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।